हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लानेट। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड का बेसिक कोर्स, जो कि हम सारा कंप्लीट करेंगे। आज हम इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है द कंसोनेंट्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। जिस बुक से हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे, वो बुक आपको स्क्रीन के ऊपर मिल रही होगी। मैं उसका फ़ोटो स्क्रीन के ऊपर अटैच कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। हम सीखेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड, और उसके लिए हमें नोट पैड चाहिए, जो वो ये वाला रहेगा। इसकी लाइंस जो रहेंगी वो इस तरह से रहेंगी, मोटी मोटी, ठीक है। इसमें हम स्टेनो की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये रहती है अप्सरा की, और इसके ऊपर खास उन्होंने लिखा होता है स्टेनो, स्टेनो टैग इस पर बना होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्टेनो लिखा हुआ है, ये स्पेशली इसके लिए बनी होती है। बस फ्रेंड्स, यही था, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वीडियो स्टार्ट करने से पहले। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड में हमारे 24 कंसोनेंट्स होते हैं और 12 वॉवल्स होते हैं, 4 डिपथोंग्स होते हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कि ए टू जेड होते हैं, और सेम वैसे ही शॉर्ट हैंड में 24 कंसोनेंट्स होते हैं, जिनको हम स्ट्रोक्स भी बोलते हैं, जो कि पी से लेके एच तक होती हैं। फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो हमारी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में होती हैं, जो कि कंसोनेंट्स हैं, वो 24 होते हैं। हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एट एट एट, हम एट एट करके इनको करेंगे, ताकि हमारे लिए इजी रहे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारी स्ट्रोक का जो है वो है पी, जिसको हम बनाएंगे। ये बनेगी फ्रेंड्स, लाइट बनेगी इसकी स्ट्रोक, जो बनेगी लाइट बनेगी, और ये बनेगी कैसे, डायरेक्शन जो इसकी है वो होगी फ्रॉम अप टू डाउन, इस तरह से लाइट स्ट्रोक बनेगी और डायरेक्शन इसकी अप टू डाउन होगी, ठीक है। हम साइड पे लिख भी देते हैं इसके, लाइट स्ट्रोक और डायरेक्शन इसकी अप टू डाउन, मींस डाउनवर्ड। ये हमारी फर्स्ट स्ट्रोक थी। सेकंड स्ट्रोक हमारी फ्रेंड्स है बी, इसको हम बनाएंगे। पी को हमने अप टू डाउन बनाया था लाइट, बी को हम अप टू डाउन बनाएंगे डार्क, इस तरह से फ्रेंड्स, ये थोड़ी डार्क बनेगी, डायरेक्शन इसकी अप टू डाउन है। इसका भी हम साथ में लिख लेते हैं, स्ट्रोक है डार्क, डार्क स्ट्रोक, डायरेक्शन अप टू डाउन, सेम फ्रेंड्स, डाउनवर्ड्स, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको अच्छे से, इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ, ओके फ्रेंड्स। थर्ड स्ट्रोक हमारे पास है टी, इसको हम बनाएंगे। टी को फ्रेंड्स हम बनाएंगे लाइट, इस तरह से, ये भी फ्रेंड्स अप टू डाउन बनेगी, और इसकी स्ट्रोक जो होगी वो लाइट होगी, लाइट स्ट्रोक, डायरेक्शन सेम अप टू डाउन, नेक्स्ट डी, इसकी डायरेक्शन स्ट्रोक जो इसकी वो लाइट है, डार्क है, सॉरी, स्ट्रोक इसकी डार्क है, अप टू डाउन, डार्क स्ट्रोक, डायरेक्शन सेम फ्रेंड्स अप टू डाउन। डायरेक्शन का फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना खास, और स्ट्रोक का ध्यान रखना है कि लाइट लाइट कौन सी है और डार्क कौन सी है, ये चीज़ें आपको याद करनी है अच्छे से, यही इसका बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके शॉर्ट हैंड में, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रोक हमारे पास आती है चे। फ्रेंड्स, हम ना आठ की आठ ये जो स्ट्रोक्स हैं, ये पहले हम लिख लेते हैं। चे स्ट्रोक है, फिर उसके बाद जे है,
फिर उसके बाद के है, फिर उसके बाद गे है। ओके फ्रेंड्स, इसको बना लेते हैं। चे फ्रेंड्स हमारा बनेगा लाइट बनेगा, डायरेक्शन सेम अप टू डाउन लाइट। गे हमारा सेम डायरेक्शन अप टू डाउन है, ये थोड़ा ये हमारा डार्क बनेगा इस तरह से। ओ फ्रेंड्स, इसको एक बार यहाँ फिर से बना लेते हैं, इस तरह से अप टू डाउन बनेगा, डार्क बनेगा। के हमारा ऑन द लाइन बनेगा, लाइट बनेगा, और गे भी हमारा ऑन द लाइन बनेगा और ये इस तरह से डार्क बनेगा। इसको हम इसके आगे हम लिख लेते हैं याद करने के लिए, आसान रहेगा थोड़ा। चे हमारा लाइट है, लाइट स्ट्रोक है इसकी, लाइट स्ट्रोक। डायरेक्शन फ्रेंड सेम अप टू डाउन, डाउनवर्ड। ये डार्क स्ट्रोक, जे हमारा डार्क स्ट्रोक है, डायरेक्शन डाउनवर्ड अप टू डाउन। के लाइट स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक डायरेक्शन डाउनवर्ड। गे हमारा डार्क स्ट्रोक, डायरेक्शन अप टू डाउन। सो फ्रेंड्स, ये हमने फर्स्ट 8 कंसोनेंट्स कर लिए। लास्ट में हम इनको एक साथ भी देखेंगे सारे कि हमने इनको याद कैसे करना है, एक साथ हम इनको याद कैसे करेंगे। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने डिफ्रेंशिएट कराया 8-8-8 में, ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। अब हम करेंगे नेक्स्ट 8 करेंगे इसके आगे। नेक्स्ट हमारे पास है एफ। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट 8 पहले हम लिख लेते हैं जो कंसोनेंट्स हैं हमारे, स्ट्रोक पहले ये लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके हम स्ट्रोक्स बनाएंगे। आता है एफ वी इथ, आई टी एच इथ, थी टी एच डब्ल्यू, एस जी इश और जी जेड एच डब्ल्यू जी। फ्रेंड्स, एफ को हम बनाएंगे, एफ हमारी लाइट आउटलाइन है, इस तरह से बनेगी एफ। डायरेक्शन इसकी अप टू डाउन है, लिख लीजिए आप साथ में इसके। आउटलाइन जो है इसकी हमारी लाइट है, डायरेक्शन अप टू डाउन। वी डार्क बनेगा, इसको भी लिख लीजिए आप, और डायरेक्शन अप टू डाउन सेम बिल्कुल। इथ हमारा लाइट बनेगा इस तरह से, डायरेक्शन सेम अप टू डाउन, स्ट्रोक हमारी लाइट। इथ थी हमारा डार्क बनेगा इस तरह से, डार्क और डायरेक्शन अप टू डाउन। एस हमारा लाइट बनेगा, लाइट बनेगा, लाइट स्ट्रोक है सेम, डायरेक्शन अप टू डाउन। एस जी हमारा डार्क बनेगा, डार्क डायरेक्शन सेम अप टू डाउन। इश हमारा फ्रेंड्स लाइट बनेगा, डायरेक्शन अप टू डाउन, और जी हमारा इस तरह से डार्क बनेगा, डार्क अप टू डाउन। अब नेक्स्ट 8 हमारे आते हैं, लिख लेते हैं। Z के बाद हमारा आता है M, फिर N, फिर ing, 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 L आता है, R आता है, W आता है, Y आता है, और लास्ट H, A। M फ्रेंड्स हम बनाएंगे, लाइट आउटलाइन है, लेफ्ट टू राइट जाएगी हॉरिजॉन्टली। एम इसका लिख लीजिए लाइट आउटलाइन, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, एन भी हमारा लाइट बनेगा फ्रेंड्स, इंग हमारा डार्क बनेगा, इंग का लिख लीजिए, डायरेक्शन सेम रहेगी इन सब की, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लाइट आउटलाइन, ये भी इंग डार्क आउटलाइन,
डायरेक्शन सेम लेफ्ट टू राइट, एल की डायरेक्शन एल बनेगा लाइट, डायरेक्शन इसकी डाउन टू अप है, लाइट स्ट्रोक है, डायरेक्शन डाउन टू अप। आर हमारा दो टाइप्स का होता है, एक आर हम इस तरह से बनाते हैं और एक आर हम इस तरह से बनाते हैं। फ्रेंड्स इन दोनों आर का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है रूल्स के अकॉर्डिंग। जब हम रूल्स पढ़ेंगे आगे फर्दर उस समय मैं आपको समझा दूंगा कि ये वाला आर कब यूज़ होता है, ये वाला आर कब यूज़ होता है। और फ्रेंड्स इसकी आप डायरेक्शन देख लीजिए, ये हमारा आर है जो ये हमारा जाएगा डाउन टू अप, और ये जो आर है ये हमारा जाएगा अप टू डाउन। ठीक है, इसकी डायरेक्शंस देख लो, फर्स्ट आर की हमारी डायरेक्शन है डाउन टू अप, और सेकंड की अप टू डाउन। ओके, और जो इसकी स्ट्रोक है वो स्ट्रोक इसकी लाइट है, लाइट आउटलाइन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा W है जिसको हम वे भी कहते हैं, ये भी हमारा लाइट बनेगा और ये इस तरह से बनेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे भी हम लिख लेते हैं, लाइट आउटलाइन है और डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है, अपवर्ड मींस डाउन टू अप। लाइट आउटलाइन, डायरेक्शन अपवर्ड डाउन टू अप। वे वाई इसके बाद, इसको हम ये कहते हैं, ये इसको इस तरह से बनाएंगे, लाइट आउटलाइन सेम लाइट आउटलाइन, डायरेक्शन अपवर्ड। लास्ट में हमारा एच, जैसे हमारा आर दो टाइप्स का था एच भी हमारा दो टाइप से बनता है, एक हम बनाएंगे लाइट इस तरह से और एक हम बनाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स एक हमारा अपवर्ड बनेगा, एक हमारा डाउनवर्ड बनेगा। ये जो हमारा है ये हमारा डाउन टू अप जा रहा है, अपवर्ड बन रहा है, और ये हमारा अप टू डाउन आ रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। स्ट्रोक्स इनकी लाइट रहेंगी, डायरेक्शन फर्स्ट की डाउन टू अप है और सेकंड की अप टू डाउन है। फ्रेंड्स डायरेक्शन का खास ध्यान रखें, डायरेक्शन पे कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है, डायरेक्शन का खास ध्यान रखें। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने ये हमने कर लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको इकट्ठे याद कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, हो सके बार बार पढ़िए इसको, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब आपको इनकी डायरेक्शंस का पता लग जाएगा, लाइट डार्क का पता लग जाएगा, तो फिर आपने इस तरह से इसको प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से मैं अभी करूँगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, पी लाइट बनेगा, पी बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, पी बी टी डी, जे लाइट, जे जे डार्क, के लाइट, गे डार्क, एफ लाइट, वी डार्क, इथ लाइट, थी डार्क, एस लाइट, जी डार्क, इश लाइट, जी डार्क, एम लाइट, एन लाइट, इंग डार्क, एल लाइट। आर हमारा लाइट है, दोनों आर हमारे लाइट है, आर आर, वे ये, और एक अप है एक डाउन है। फ्रेंड्स इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने इस तरह से, पी बी टी डी चे जे के गे एफ वी इथ थी एस जी इश जी एम एन इंग आर रे रे वे ये हे हे। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर 1 द कंसोनेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का ही, हम पढ़ेंगे
पार्ट समझ लीजिए आप, चैप्टर फर्स्ट का ही हम मतलब चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा जॉइनिंग ऑफ द स्ट्रोक्स। ये जो स्ट्रोक्स हमने बनाई हैं इसको हम जॉइन करके किस तरह से लिख सकते हैं, दो स्ट्रोक्स को कैसे जॉइन करेंगे, तीन स्ट्रोक्स को किस तरह से जॉइन करेंगे, उनकी डायरेक्शंस क्या रहेंगी, वो हम अगली वीडियो में करेंगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर और लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।